फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने इस सिलाई में 32 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 34 फंदे डाले। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनें, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनें। ये 1 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं, 1 फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बुनें। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुनें। ये फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। ऐसे हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने आगे इसी पैटर्न को लास्ट के 3 फंदों तक रिपीट करना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनें, धागा आगे, धागा घुमाएं, 1 फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। ये दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनें, धागा आगे, धागा घुमाएं, 1 फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बुनें, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। ये हमारा तीसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब धागा आगे और 2 प्लस वाले फंदों को उल्टा बुनें, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनें, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनें, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुनें, 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनें। ये 1 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं और 2 फंदे उल्टे बुनें। ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने लास्ट के 3 फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनें, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें, 1 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुनें, 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनें, 1 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं, 2 फंदे उल्टे बुनें। ये हमारा दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर इसी को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनें, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें,
धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं, दो फंदे उल्टे बुने। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद ये हमारा तीसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर धागा पीछे, प्लस वाले फंदे सीधे बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, ये तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा उल्टा बुने। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुने। ये चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुने। फंदे सीधे बुनने के बाद ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आगे इसी पैटर्न को लास्ट के तीन फंदों तक रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुने, धागा आगे, फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुने। ये दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब धागा आगे, प्लस वाले फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। चार नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने। ये चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे लेकर जाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे लाएं, धागा घुमाएं, चार फंदे उल्टे बुने। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को लास्ट के तीन फंदों तक रिपीट करें। दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, धागा घुमाएं, चार फंदे उल्टे बुने। ये दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, धागा घुमाएं, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, प्लस वाले दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। ऐसे ये पहली चार सिलाइयों में हमने इस पैटर्न में आठ फंदे बढ़ा लेने हैं। ये शुरू हमने 10 फंदों से किए थे,
लेकिन अब इस पांचवी सिलाई तक ये एक पैटर्न के 18 फंदे हो चुके हैं। अब हमने पांचवी और छठी सिलाई बुनने के बाद आगे की सिलाइयों में इन फंदों को घटाना है। पहले हम पांच और छः नंबर सिलाई बुनते हैं। पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे बुनें, ये पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे। अब हमने ये चार फंदों की केबल बनानी है। चार फंदों की केबल बनाने के लिए पहले चारों फंदों को उतार लें, आगे वाले फंदों को पीछे लेकर जाएं और पीछे वाले फंदों को आगे ले जाएं। ऐसे ही इन्हें उल्टे हाथ ट्विस्ट कर लेना है और चारों फंदों को सीधे बुन लेना है। ये चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे बुने। अब ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करें। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे बुने। पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, फिर चार फंदों की केबल बनाएं। चारों फंदों को सीधा बुने। ये चार फंदों की केबल बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, फिर धागा पीछे, पांच फंदे सीधे बुने। धागा आगे, फिर वही पैटर्न रिपीट करें। दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे बुने। पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, चार फंदों की केबल बनाएं। चार फंदों की केबल बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे बुने। ये तीसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। छः नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुने। पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुने। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसे ही रिपीट करें। ये तीनों पैटर्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद प्लस वाले फंदे सीधे बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। अब सात नंबर सिलाई से दस नंबर सिलाई तक हमने अब इन फंदों को घटाना है। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद
दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुनें। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, दो फंदों को उतार कर बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुनें। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे लास्ट के तीन फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुने। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, तीन फंदे सीधे बुनें, फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। धागा आगे, प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। आठ नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, दो फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदे उल्टे बुने। अब ये दो फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने ये दो फंदों को ऐसे उतारना है और उतार कर ऐसे पलट लेना। पलटने के बाद ये दोनों फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाना। ऐसे ये दो का एक बनाने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे। अब दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद दो फंदे उल्टे बुने। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसे ही रिपीट करें। धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद दो फंदों को उतारें, उतार कर पलट लें और पलट कर दो का एक बनाएं। ये दो का एक बनाने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा आगे, दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद दो फंदे उल्टे बुने, फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद दो फंदों को उतार कर पलटें और पलट कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, प्लस वाले दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। नौ नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने,
ये दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुनें। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाएं, एक फंदा उल्टा बुनें। धागा पीछे, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनें। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करें। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुनें। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। फिर धागा पीछे, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनें। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें। धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदों का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुनें। चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें। धागा पीछे, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। एक फंदा सीधा बुनें। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें। धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। अब 10 नंबर सिलाई। पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें। धागा आगे, दो फंदों को उतार कर पलट लें और पलट कर दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुनें। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। धागा आगे, अब दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट करें। धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें। धागा आगे, दो फंदों को उतार कर पलटें और पलट कर दो फंदों का एक बनाएं। धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुनें। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। धागा आगे, दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर दो का एक बनाएं। धागा पीछे, फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। दो फंदे सीधे बुनें। धागा आगे, दो फंदों को उतार कर पलटें और पलट कर दो फंदों का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुनें। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनें। फिर धागा आगे, दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। धागा पीछे, प्लस वाले दो फंदे सीधे बुनें। धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुनें। ऐसे जो हमने पहले चार सिलाइयों में फंदे बढ़ाए थे, वो ये इन चार सिलाइयों में हमने घटा दिए हैं। जितने हमारे शुरू में फंदे थे, वो अब 10 सिलाइयों के बाद उतने ही फंदे रह जाएंगे। तो ऐसे ही हमने 10 सिलाइयों को रिपीट करना है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।